गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 13 ओणम का अध्ययन करेंगे। ओणम क्या है, आपने कभी ये नाम सुना है? ओणम एक त्यौहार है और कहाँ का है ये, कहाँ मनाया जाता है ये त्यौहार? यह त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वह बहुत बड़ा है और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग उनके त्यौहार हैं। तो आज हम इस पाठ के अंतर्गत केरल राज्य का जो त्यौहार है ओणम, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ 13 ओणम। भारत त्यौहारों का देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इस पाठ में केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम के विषय में बताया गया है। तो हम किस त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे, अभी ओणम के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे कि यह क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और वहाँ के जो केरल के जो निवासी हैं, जो केरल के वासी हैं, वो किस प्रकार से इस त्यौहार को मनाते हैं। चिंगम माह केरल वासियों के लिए एक पवित्र महीना होता है, जैसे हमारे हिंदी महीने हैं चैत्र वैसाख, ऐसे ही केरल के जो लोग हैं उनका कैलेंडर अलग तरीके से चलता है, तो उनका एक महीना होता है चिंगम, ठीक है। जो चिंगम महीना होता है वो केरल वासियों के लिए कैसा होता है, पवित्र माना जाता है, ठीक है, जिसे यहाँ के लोग नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, ठीक है। जब हम इंग्लिश महीने देखते हैं जनवरी फरवरी, तो हमारा नया साल कौन सा होता है, जनवरी होता है। उसी प्रकार जब हम हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो चैत्र होता है वो नव वर्ष का होता है। इसी प्रकार जो केरल के लोग हैं उनका जो चिंगम महीना है कैसा है, नव वर्ष के रूप में आता है। चिंगम माह मलयालम कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना होता है। समझ में आया, हिंदी महीनों में जैसे चैत्र पहला मंथ होता है, उसी प्रकार जो मलयालम कैलेंडर है उसका पहला माह कौन सा होता है, चिंगम होता है। इसलिए इस महीने को लोग वहाँ नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तथा इसकी महत्ता इस बात से और भी बढ़ जाती है कि केरल राज्य का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व ओणम इसी महीने में बड़े उत्साह व जोश के साथ मनाया जाता है, ठीक है। और जो ये है, जो ये त्यौहार है, ये केरल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है और यहाँ के लोग उसे कैसे मनाते हैं, बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि अगस्त सितंबर माह में पड़ती है, ठीक है। जो मलयालम कैलेंडर है उनके अकॉर्डिंग तो ये पहला महीना होता है, किंतु जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है जनवरी फरवरी, तो उसके अकॉर्डिंग जब ये त्यौहार पड़ेगा तो अगस्त या सितंबर माह में पड़ता है। चिंगम माह से पूर्व कारकिड़ाकम में बरसात का मौसम होता है, जिसमें केरल वासियों विशेषकर गरीब तबके के लोगों को क्या होता है, काफ़ी कष्ट सहना पड़ता है, ठीक है। जो कारकिड़ाकम जो एक जगह है वहाँ पे बरसात बहुत अधिक होती है, क्योंकि केरल में बारिश वैसे भी बहुत होती है क्योंकि वह समुद्र के किनारे है। तो कहते हैं ना, सबसे पहले जो मानसून आता है वो कहाँ आता है, केरल राज्य में आता है, ठीक है। तो वहाँ के जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं, कब उठाने पड़ते हैं, बारिश के दिनों में। इस दृष्टि से ओणम का आगमन केरल वासियों के जीवन में समृद्धि तथा खुशहाली लाने का प्रतीक है, ठीक है। ओणम किसका प्रतीक है केरल वासियों के लिए, उनके जीवन में समृद्धि तथा खुशहाली लाने का प्रतीक है, ठीक है। फिर है ओणम विशेषकर किसानों का पर्व है, ठीक है। ओणम किसका त्यौहार है, हार्वेस्टेबल फेस्टिवल होता है ये, हार्वेस्ट बोलते हैं उसको, हार्वेस्टेबल फेस्टिवल है ये, क्योंकि किसानों के लिए ये विशेष मान्यता रखता है। ओणम के अवसर पर किसान अपनी पकी हुई फसलों को देखकर फूला नहीं समाता, और इस अवसर पर क्या होता है, जो किसान लोग हैं वो अपनी पकी हुई फसलों को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि क्या होता है, उनका काटने का टाइम आ जाता है, इसलिए इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल या फसलों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ओणम को क्या कहा जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। ओणम पर राजा महाबली के आगमन की खुशी में मनाया जाता है, ठीक है। पहला तो हो गया कि किसानों का त्यौहार है, उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो राजा महाबली थे उनका माना जाता है कि इस दिन राजा महाबली का आगमन होता है, तो उनके आगमन की खुशी में ओणम पर्व मनाया जाता है।
आज भी ऐसी मान्यता है कि ओणम के शुभ अवसर पर राजा महाबली स्वयं उपस्थित रहते हैं, इसलिए अपने राजा को खुश करने के लिए केरलवासी इसे हर वर्ष बहुत धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाते हैं। ठीक है, प्राचीन मान्यता थी कि जब राजा महाबली थे तो कहा जाता था कि उनके आगमन की खुशी में मनाया जाता है, और वो प्रथा चली आ रही है। लोग अभी भी ऐसा ही मानते हैं कि राजा महाबली इस दिन उपस्थित होते हैं, इसलिए केरल का हर वासी, हर व्यक्ति इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। ओणम को थ्रू ओणम तथा श्रावण महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ओणम के दो नाम है, इसको थ्रू ओणम भी कहा जाता है और श्रावण महोत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक ओणम के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्निवाल का आनंद लेने केरल आते हैं, क्योंकि केरल में ओणम के अवसर पर क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है, विभिन्न टाइप्स की नौका प्रतियोगिता होती है और भी अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को आनंद लेने के लिए देशी और जो विदेशी पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं। कहाँ आते हैं, केरल में आते हैं इन सारी चीज़ों का आनंद लेने के लिए, और शायद ये त्यौहार करीबन 10 दिन तक चलता है। ओणम कार्निवल 4 से 10 दिनों तक चलता रहता है। कार्निवल का पहला दिन अत्तम व 10वां दिन थ्रू ओणम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो इस कार्निवल होता है वो है करीबन 10 दिन तक चलता है। जो उसका पहला दिन होता है उसको अत्तम कहा जाता है, और जो उसका 10वां दिन होता है उसको थ्रू ओणम कहा जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओणम के अवसर पर 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में केरल की संस्कृति व सभ्यता को अपने चरमोत्कर्ष पर देखना एक सुखद अनुभव है। ठीक है, और इस टाइम पे जो ये कार्निवल चलता है, जो ये प्रोग्राम चलता है, उसमें क्या होता है, केरल राज्य की जो संस्कृति और सभ्यता है उसको दिखाने वाली, उसको शो करने वाली विभिन्न प्रतियोगिताएं और कई चीज ऐसी होती हैं कि वहाँ पर उस सारी चीज़ों का समावेश हो जाता है। ओणम के अवसर पर विविध प्रतियोगिताओं के आयोजन, लोक कलाओं तथा लोक नृत्यों की प्रस्तुति और विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम इसकी भव्यता में 4 चांद लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है वहाँ पर कि ओणम राज्य की, ओणम में के अवसर पर क्या होता है, जो केरल राज्य की, केरल राज्य की जो क्या है, वहाँ की लोक कलाएँ, वहाँ के लोक नृत्य, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जो और भी सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, इसकी भव्यता में 4 चांद लगा देते हैं। ओणम के मुख्य आकर्षणों में कुछ दर्शनीय आकर्षण हैं, जैसे ओना सदिया, पोखलम, बल्लम कली नौका प्रतियोगिता, हाथियों का जुलूस इत्यादि। ये जो चीज़ें हैं, जैसे ओना सदिया हुआ, पोखलम हुआ, बल्लम कली हुआ, और वहाँ की जो नौका प्रतियोगिता है वो तो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये नाव बहुत लंबी होती है और उसमें करीब 100 से भी ज़्यादा लोग होते हैं, और फिर एक रेस लगाई जाती है, वो नौका प्रतियोगिता होती है, और हाथियों का जुलूस भी इसमें शामिल है। अब हम पढ़ेंगे ओणा सदिया क्या है। ओणा सदिया ये है ओणम के अवसर पर परोसे जाने वाला एक बहुव्यंजनीय स्वादिष्ट भोज है। ठीक है, तो इस पर क्या होता है केरल राज्य में ओणम के अवसर पर कि एक भोज कराया जाता है। ठीक है, तो उस पर एक व्यंजन है उसको परोसा जाता है, उसको क्या होता है भोज के रूप में, एक सामूहिक भोज के रूप में इसको मनाते हैं, जिसे सभी घर के लोग, गरीब या अमीर, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाते हैं। ठीक है, बहुव्यंजनीय होता है, और कैसा होता है, अत्यधिक स्वादिष्ट होता है। इसमें मुख्यतः चावल का प्रयोग किया जाता है, वैसे भी केरल में चावल ज़्यादा खाया जाता है। इसे केले के पत्तों पर परोसा जाता है और ज़मीन पर बिठाकर खिलाया जाता है, क्योंकि केरल राज्य में केला बहुत अधिक होता है, वहाँ पे केला के जो पेड़ हैं वो अत्यधिक संख्या में मिलते हैं, इसलिए उनको एक थाली में ना खिलाकर केले के पत्ते पर इस ओणा सदिया को खिलाया जाता है। अब पढ़ते हैं पूपखलम क्या होता है। यदि हम पूपखलम शब्द का अर्थ खोजें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला है पूप, दूसरा है खलम। पूप का अर्थ है फूल तथा खलम का अर्थ है रंग। इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात रंगीन फूलों से बनाए जाने वाली रंगोली। ठीक है, तो यहाँ पे 10 दिनों तक क्या हो, जब तक ये प्रोग्राम चलता है, उनका ये कार्निवल चलता है पहले दिन से लेके 10वें दिन तक, तो वहाँ रोजाना नए नए फूलों से, विभिन्न रंगीन फूलों से वहाँ पे रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ,
पूप कलम का क्या अर्थ होता है? रंगीन फूलों से बनाई जाने वाली रंगोली। ओनम में पहले दिन से लेकर दसवें दिन तक जमीन पर रंगीन फूलों की भव्य व सुंदर रंगोली का आयोजन केरल के घर घर में किया जाता है। हर कोई व्यक्ति, चाहे वह गरीब है चाहे वह अमीर है, वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसा बना सकता है फूलों से हर पर डे यानी कि 10 दिन तक उनके यहाँ पर रंगोली बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? रंग बिरंगे फूलों से, और कहाँ पे? जमीन पे बनाई जाती है। अब आती है बल्लम कली नौका प्रतियोगिता, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये बल्लम कली नौका प्रतियोगिता किस तरीके से होती है। बल्लम कली या सर्प मुख वाली नौका प्रतियोगिता ओनम पर्व के मुख्यतः आकर्षणों में से एक है। ठीक है, जो ये बल्लम कली जो नौका प्रतियोगिता है ये है यहाँ के त्यौहार पर एक विशेष स्थान रखती है ये, क्योंकि क्या होता है, ये नौका काफ़ी बड़ी होती है और कैसी होती है? सर्पमुख के आकार की होती है। यह देसी विदेशी पर्यटकों में विशेष लोकप्रिय है। इसका आयोजन पंबा, एक नदी है वहाँ पर पंबा, उस पर किया जाता है, पंबा नदी पर किया जाता है। बल्लम कली नौका कोई मामूली नौका नहीं होती, ये काफ़ी बड़ी होती है। यह नौका 100 फुट लंबी होती है तथा इसमें 150 चालकों का दल होता है। विशेष कारीगरों के द्वारा निर्मित ये नौकाएं विशेष ओणम पर्व के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, 100 फुट तो ही लंबी होती है, अब सोचो वो कितनी बड़ी होती होगी और इसमें कितने लोग बैठते हैं, करीबन 150 लोग बैठते हैं और फिर इनमें प्रतियोगिता होती है। इसी तरीके से बहुत सारी प्रतियोगिताएं इस टाइम पर पंबा नदी में चलती हैं। अब है हाथियों का जो भव्य जुलूस निकाला जाता है उसको देख लेते हैं। उस अवसर पर क्या होता है? केरल राज्य का त्रिशूर शहर, तो कौन सा शहर? त्रिशूर शहर, जिसको केरल की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं कि भाई केरल राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो क्या नाम है उसका? त्रिशूर शहर। ओणम के अवसर पर शाही हाथियों के भव्य समारोह के कारण ऐतिहासिक महत्व रखता है। एक या दो नहीं बल्कि सजे हुए हाथियों के बड़े समूह को देखने का अनुभव अवर्णीय है। ठीक है, वो हाथी होते हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से सजे हुए होते हैं। ठीक है, तो उनका जो देखने का, जो हम उनको देखते हैं तो जो उनका वर्णन कर जब हम करेंगे तो अवर्णनीय है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक भव्य समारोह होता है। और कैसा? शाही हाथियों का होता है, शाही जो कि अपने शाही खानदान से जो रिलेटेड होते हैं वो होते हैं। वो केरल के इस महान पर्व का आनंद तो इसे स्वयं देखकर या इसके रोमांच को महसूस करके तथा इसकी भव्यता को जीकर ही लिया जा सकता है। अब तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन कोई चीज़ हमारी जब आंखों के सामने होती है और उसका हम ये लाइव देखें तो शायद उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो बच्चों, कभी आपको मौका पड़े केरल राज्य में जाने का, वहाँ पर घूमने का, तो इस पर्व का आनंद अवश्य लेकर आइएगा। सिर्फ किताबों में पढ़कर या तस्वीरें देखकर आप इसका आनंद नहीं उठा सकते। केरल के निवासियों के लिए ओणम ना सिर्फ एक महान पर्व है बल्कि यह पर्व उसका एक विश्वास भी है, जो उनके धर्म, जातिगत मान्यताओं तथा अमूल्य ऐतिहासिक विरासतों से जुड़ा हुआ है। केरल की सांस्कृतिक छाप भी इस पर्व में साफ दृष्टिगोचर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ था ओनम। हमने आज ओनम के बारे में पढ़ा कि इसके ओनम जब त्यौहार आता है तो कितने दिनों तक चलता है? करीबन 10 दिनों तक चलता है। बल्लम कली नौका प्रतियोगिता होती है जिसमें नौका होती है वे विशेष रूप से बनाई जाती है, करीब वह 100 फीट लंबी होती है और करीब इसमें 150 लोग इसको बैठकर चलाते हैं। शाही हाथियों की सवारी, यहाँ पर जुलूस निकलता है जो बहुत ही रोमांचक होता है, अवर्णनीय होता है। ठीक है, तो आज हमने वहाँ की लोक कला, वहाँ की संस्कृति आदि चीज़ों को देखा और केरल राज्य के बारे में थोड़ा सा जाना। तो कभी आपको मौका मिले केरल राज्य में जाने का तो इस चीज़ को देखते हुए जाना कि ओणम पर पड़े उस टाइम पे इन सारी चीज़ों की, भाई जो नौका प्रतियोगिता है, जो हाथियों का भव्य जुलूस है, पूप कलम है, ये सारी चीज़ें, इनका आनंद लेकर आना। अब हम बच्चों जो आपकी पुस्तक में शब्दार्थ दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। पहला है समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है अमीरी, जिसके पास सब कुछ हो। पर्यटक, घूमने फिरने वाला, ठीक है, जिसको टूरिस्ट बोलते हैं। सभ्यता, शिष्टता। बहुव्यंजनीय, अनेक प्रकार के व्यंजन। विरासत, उत्तराधिकार में मिला धन। उत्तराधिकार में मिला धन कौन सा होता है? आप सपोज करो आपके दादा का घर था,
ठीक है, और उसके बाद वो आपके पापा का हो गया, और आपके पापा के जाने के बाद वो आपका हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उत्तराधिकार में मिली ही होती हैं। हर्षोल्लास, खुशी और उमंग, संस्कृति, संस्कार, चरम उत्कर्ष, चरम बिंदु, आनंद, खुशी, दृष्टिगोचर, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला, यानी कि जो क्लियरली कैसा हो, विजिबल हो, हमें एकदम स्पष्ट दिखाई दे, एकदम क्लियर दिखाई दे। ठीक है बच्चों, ये आपके शब्दार्थ हो गए। अब आपका जो वर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के जरिए आता है, तो आपको उसको अपनी कॉपी में स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में करना है, साथ ही साथ उस वर्क को आपको याद भी करना है। धन्यवाद।